सत्ता गठबंधन दिनभरी छलफल में सीट बाँटफाँट में सहमति जुटाउन अझै असफल हैसियत भन्दा धेरै सीट खोजेपछि समस्या। कांग्रेस को संस्थापन इतर पक्ष को काठमाडौं में चियापान पार्टी में सैद्धांतिक विचलन आए पनि पार्टी विभाजन को अवस्था भने नआउने सहभागी को भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन का लागि प्रत्यक्ष तर्फ का उम्मेदवार छनौट को मापदंड बारे छलफल गर्न एमाले छलफल में दस भाई माफी नमागेसम्म टिकट नदिने केपी ओली को रणनीति। नवरात्र को चौथो दिन उस्मान र देवी को विधिपूर्वक पूजा आराधना करी मनाइयो शुभकर्म को शुभारंभ व सृष्टि को प्रतीक को रूप में पूजा गरिने। बड़ा दशैं को टीका लगाउन इच्छुक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टीका लगाइदिने। दिउँसो 2 देखि बेलुका 5 बजेसम्म टीका लगाइदिने कार्यक्रम। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे र बागमती प्रदेश का मुख्यमंत्री राजेन्द्र पाण्डेलाई मातृशोक। 87 वर्षीय आमा मनमाया को शनिवार बिहान निधन। अस्वस्थ र असन्तुलित खानपान विलासी जीवन र लापरवाही का कारण मुटु रोग का बिरामी बढ्दै 75 लाख नागरिक मुटु रोगबाट पीड़ित। दशैं अघि शेयर कारोबार गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन अब नेप्से करीब 1 साता का लागि बन्द। नेप्से असोज 23 गते आइतबारदेखि खुल्ने। पोखरा नगर क्षेत्र भित्रका भूमिगत पार्किङ क्षेत्र खाली गरिदै सूचनाको म्याद केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि व्यवसायीहरूले पार्किङ क्षेत्र हटाएनन्। अमेरिकी डलर को भाव हाल सम्मकै उच्च बिन्दुमा। 1 डलर को बिक्री दर 131.41 रुपया कायम। खरीद दर 131.81 रुपया। देशभर 540 जना डेंगू का बिरामी थपिए। यो वर्ष डेंगू का कारण मृत्यु होने को संख्या 38 पुग्यो। 28,109 जना डेंगू का बिरामी। चितवन में डेंगू संक्रमण बाट राप्ती नगरपालिका की 40 वर्षीय महिला र खोटाङकी उदयमान गायिका सुस्मिता राय को डेंगू संक्रमण का कारण निधन। पछिल्लो 24 घण्टा में देशभर 45 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 70 जना संक्रमण मुक्त। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमित 1,077 जना। दशैं लागेसँगै काठमाडौं उपत्यका छाडेर गाउँघर फर्कनेको संख्या वात्तै बढ्यो। दैनिक औसतमा 1 लाख यात्रु बाहिरिन थाले। दशैं तिहार र छठ बिदामा पनि मानव अधिकार आयोगको कार्यालय खुला रहने। ज्यादती र गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा आकस्मिक अनुगमन गर्ने। काठमाडौंको वसुन्धरा बस्ने सीता रायमाझीको घरबाट जुवा तास खेलिरहेका 6 जना पक्राउ। 2,99,000 रुपैयाँ सहित पक्राउ। जुम्लामा स्याउ बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। मकवानपुरका सवारी चालक अविनाश लामाको मृत्यु। सहचालक हरि न्यौपाने घाइते। चालू आर्थिक वर्ष को पहिलो 2 महीना में करीब 44,000 तोला सुन आयात। गत वर्ष भन्दा इस वर्ष सुन को आयात में निकै कमी। एएफसी अंडर 17 एशियन कप छनौट खेलने नेपाली टीम को घोषणा। भियतनाम में अक्टोबर 1 साता होने प्रतियोगिता का लागि खिलाड़ी छनौट। मालदीव्स में 4 सावा महिला बास्केटबल चैंपियनशिप में नेपाल उपविजेता। मालदीव्स हराएर श्रीलंका उपाधि जित्न सफल।